उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वाले हमलावरों ने खुद तो हिरासत में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उनके घर वाले मुश्किल में हैं। इन तीनों हमलावरों के घर वालों के साथ इस वक्त पुलिस की तमाम टीमें तैनात हैं। मीडिया के लोगों का घर पे जमावड़ा लग रहा है, क्षेत्र में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। वहीं अतीक अहमद की कनपटी पर पिस्टल सटाकर पहला फायर करने वाले लवलेश तिवारी के घर वाले अचानक किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। लवलेश तिवारी के घर वाले कहां गए हैं, इस बारे में पड़ोसियों से लेकर मोहल्ले वालों तक को कोई जानकारी नहीं है। लवलेश का परिवार बांदा जिले में रहता था और उसके पिता यहां के एक स्कूल की वैन चलाया करते थे। लवलेश का छोटा भाई बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, माँ गृहिणी है और इस माँ ने यह भी कहा था कि उसका बेटा तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, उसने ऐसा क्यों किया, उसके भविष्य में क्या है मैं नहीं जानती। लेकिन लवलेश तिवारी के साथ 15 अप्रैल को जो हुआ और उसने जो किया, इस घटना के बाद लवलेश तिवारी के परिवार वाले मुश्किल में हैं। फिलहाल लवलेश के घर वालों ने अपना पता बदल दिया है, वो कहाँ है इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। किसी खतरे को भांपते हुए परिवार ने शायद शहर छोड़ा हो, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि हो सकता है पुलिस ने ही उन्हें किसी जगह पर शिफ्ट कर दिया हो। लवलेश तिवारी वही शख्स है जिसने अतीक अहमद की कनपट्टी पर रखकर गोली चलाई थी। घटना के बाद लवलेश के पिता को इसकी जानकारी टीवी से मिली, उन्होंने इस बात को अपने बेटे को बताया। बेटे ने भी ये कहा कि मुझे इस बात का पता तब चला जब पापा ने ये कहा कि जिसने गोली मारी वो लवलेश है। लेकिन पूरे वाकये के बाद बांदा जिले के पुलिस अधीक्षक ने परिवार से मुलाकात की थी। परिवार से मिलकर पुलिस अधीक्षक ने ये कहा था कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से ना मिले। परिवार की जान को खतरा देखते हुए घर पर 4 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन इसी बीच लवलेश के घर वाले अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले गए। अब इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि बेटे के गुनाह की सजा माँ बाप को भोगनी पड़ रही है। वो माँ बाप जो सामान्य जीवन जीते थे, जिन्हें ये नहीं पता था कि बेटा क्या करने वाला है। इस पूरी घटना को लेकर प्रयागराज में तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह के जवाब। बांदा में लवलेश तिवारी के घर का जो हाल है, वही हाल कासगंज और हमीरपुर के घरों में है, जहां अन्य आरोपी अरुण और सनी के लोग रहते हैं। परिवार के लोगों से तमाम तरीके के सवाल हैं, तमाम तरीके के जवाब। तीन लड़कों ने अपराध का रास्ता अपना लिया है, लेकिन जो हुआ है उस घटना ने उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। अतीक अहमद की हत्या 23 साल के लड़के कर देंगे, ये बात किसी ने नहीं सोची थी, ना ही इन सभी के परिवार वालों ने, जो इस वक्त मारे मारे भागते भागते फिर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।